तो भाई यार पिछली वीडियो में आप लोग ने देखा था सीजे का भाई उसका फ्रेंड मिलता है केजर। केजर एक वूजीमू नाम के बिजनेसमैन से मिलवाता है और वो बिजनेसमैन चाहता है कि सीजे उसके लिए काम करे, एक रेस में पार्टिसिपेट करे और वो जो रेस होती है वो इनलीगल तरीके से होती है। सीजे थोड़ा सोचता है लेकिन जैसे भाई उसे ऑफर आता है कि इस रेस को जीतने के बाद बहुत सारा पैसा मिलेगा तो सीजे हाँ बोल देता है और उस रेस में पार्टिसिपेट करके फर्स्ट पोजिशन पे आ जाता है और सीजे को मिल जाता है बहुत सारा पैसा और उजी मूक दाम के जो बिजनेसमैन है उसका कांटेक्ट नंबर भी मिल जाता है। और अभी यहाँ पे सीजे की ये गर्लफ्रेंड आ चुकी है और ये गुस्से में है, बोल रही है कि तुम ये कार को कहाँ लेके गए थे और इस कार का कबाड़ा क्यों बना दिया है तुमने। सीजे बताता है कि मैं इस कार को लेके गया था एक बिजनेसमैन का छोटा सा काम करने के लिए। फिर ये गुस्से में बोलती है कौन सा ऐसा काम था, तुमने कार से क्या काम था जो कबाड़ा बना दिया। तभी सीजे इसको रोकता है कि ये कार पे भाई डेंट ना करे और रोकने के बाद ये बताता है कि मैं एक बिजनेसमैन के लिए रेस पार्टिसिपेट किया था और रेस जीतने के लिए ये कार लेकर के गया था। फिर उसके बाद इसकी गर्लफ्रेंड थोड़ी सी तो नॉर्मल हो जाती है लेकिन उसे अभी भी बिलीव नहीं होता है कि सच में ये रेस के लिए ये कार लेके गया था। फिर सीजे को आ जाता है गुस्सा और सीजे गुस्से में अपनी गर्लफ्रेंड को गाली दे देता है। फिर उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है अगर ये तुम्हारी बातें सब कुछ सच है ना तो ठीक है, तुम्हें मेरे इस बंदे के साथ रेस करो, अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हारी और अगर तुम हार गए तो मैं इसकी। और इसके बाद जबरदस्ती ये लड़की टच हो रही है और सीजे को बोल रही है तुम्हें जलन हो रही है ना। फिर सीजे बोलता है नहीं नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। फिर उसके बाद ये लड़की बोलती है अगर जलन हो रही है ना तो तुम एक काम करो, मेरे इस बंदे के साथ रेस करो, अगर तुम रेस जीत गए तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं इस बंदे के साथ चली जाऊंगी। तो भाई यार यहाँ पे दोबारा से रेस स्टार्ट होने जा रहा है और मैं थर्ड पोजिशन पे हूँ, मुझे कैसे, अरे फोर्थ पोजिशन पे हूँ लोल, मेरे को कैसे भी करके फर्स्ट पोजिशन पे आना होगा, नहीं तो सीजे की गर्लफ्रेंड भाई किसी और के पास चली जाएगी। मैं जल्दी जल्दी आगे निकलने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे भाई गाड़ी कंट्रोल नहीं हो रही है भाई, पहली वाली गाड़ी थोड़ी अच्छी थी, ये वाली गाड़ी तो बहुत खराब है भाई, लेकिन मैं फिर से फर्स्ट पोजीशन पे आ गया, शॉर्टकट अप्लाई कर लिया भाई। यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी आगे की तरफ भाग रहा हूँ लेकिन टर्निंग बहुत ज्यादा खतरनाक खतरनाक है और ये गाड़ी थोड़ी सी कंट्रोल के बाहर जा रही है, इसका ड्रिफ्ट करने के बाद ना ये पूरी गाड़ी ही घूम जा रही है। अभी ये जो रेस हो रही है ये काफी लंबी रेस हो रही है इसीलिए मैं गाड़ी आराम से चढ़ाऊंगा, अगर गलती से भी नीचे खाई वाई में गिर गया या गाड़ी पलट गई ना तो मेरा मिशन फेल हो जाएगा। अबे ये तो पब्लिक भी भाई मेरे को धक्के मार रहे हैं, कम से कम इस रेस के अंदर पब्लिक को तो हटा देना चाहिए, लेकिन कहां से हटाया जाएगा, ये रेस ही इनलीगल तरीके से हो रहा है। अगर गलती से पुलिस को भनक लग गई या पता चल गया ना गलती से तो भाई पुलिस पकड़ ले जाएगी। फिलहाल हमको तो रेस जीतना है अपनी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने के लिए और मैं सीधा भाग रहा हूँ, यहाँ से टर्न होना है हम लोग को आई थिंक आगे से, हाँ यहाँ से टर्न हो गया, मैं फर्स्ट पोजीशन पे चल रहा हूँ। अगर गलती से कहीं ठोकर वोकर लग गई या गाड़ी हमारी रुक गई तो भाई ये रेस थोड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए, मेरे जस्ट पीछे ही बंदे चल रहे हैं। मैं आराम से ब्रेकिंग सिस्टम का यूज करते हुए यहाँ से गाड़ी लेकर के चल रहा हूँ। भाई 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 गड्ढे वड्ढे आ रहे हैं यार यहाँ पे, तो ये रास्ते भाई जितना देखने में आसान लग रहे हैं ना उतना ही ज्यादा भाई कठिन है, क्योंकि यार रास्ते टेढ़े मेढ़े हैं, ऊपर खाबड़ रोड है, कभी भी गाड़ी पलट सकती है हमारी, देख रहे हो कहीं पे भी घुमा दे रहा है यार ये गाड़ी तो लोल। चलो अच्छा हम लोग सिटी की तरफ एंट्री कर चुके हैं, सिटी में थोड़ी गाड़ी अच्छी चलेगी क्योंकि सिटी में भाई रोड अच्छे मिल जाते हैं। लेकिन एक सेकंड में गलत जगह आ गया क्या, यहाँ से कहाँ से निकलना था, ओ अच्छा यहाँ पे ये रास्ता है, मैं भाई सच में गलत जगह चला गया था, अच्छा हुआ वहाँ से टर्न ले लिया, नहीं तो मैं उसमें फंसा ही रह जाता। यहाँ से हम लोग जल्दी से आगे की तरफ भागते हैं और मैं अभी भी फर्स्ट पोजीशन पे चल रहा हूँ, मेरे पीछे पीछे बंदे आ रहे हैं, लेकिन कुछ भी हो जाए मुझे ही फर्स्ट आना है, उनको भाई फर्स्ट आने नहीं देना है। और मेरी कंट्रोलिंग पावर यहाँ पे काम आ गई, मस्त ब्रेकिंग सिस्टम का यूज करके गाड़ी को आराम से चला रहे हैं हम लोग। आई थिंक ये रेस भी अब खत्म होने वाली है, मैं एंड पोजीशन पे पहुंचने वाला हूँ और मैं अभी भी आगे की तरफ चल रहा हूँ फर्स्ट पोजीशन पे। मेरे पीछे बंदे तो हैं, अगर गलती से मेरी गाड़ी कहीं रुक गई या पलट गई तो ये रेस मैं हार भी सकता हूँ, लेकिन नहीं यार गाड़ी पलटने नहीं देना है, आराम से चलाएंगे। और मैं अभी फर्स्ट पोजीशन पे चल रहा हूँ तो टेंशन की कोई बात नहीं है, पीछे अभी बहुत सारे बंदे होंगे लेकिन मेरे क्लोज में अभी कोई नहीं आया है, जैसे ही क्लोज में कोई बंदा आएगा तब थोड़ी सी स्पीड मेरे को बढ़ानी पड़ेगी। और यहाँ पे एक बंदा आ गया भाई जस्ट मेरे पीछे, भाई भाई अब मेरे को तेजी से भागना पड़ेगा, गलत जगह पे ये बंदा भाई मेरे को टक्कर देने आ चुका है, अगर थोड़ा सा भी मैं गलत गाड़ी चलाऊंगा नीचे खाई में गिर जाऊंगा, फिर भी मुझे जीतना है कैसे भी करके, एंड पोजीशन पे पहुंच करके मैं हारना नहीं चाहता हूँ, जल्दी से यहाँ से भागते हैं हम लोग। आई थिंक अब एंड पोजीशन पे मैं पहुंच चुका हूँ, बस थोड़ा सा और मेरे को बैलेंस करके गाड़ी चलाना होगा, बस एक बार फिनिश लाइन पे पहुंच जाऊँ उसके बाद तो टेंशन खत्म है। और यहाँ पे फिनिश लाइन पहुंच चुका हूँ मैं, ये रेस भाई मैं जीत गया, फर्स्ट पोजीशन पे आ चुका हूँ।
तो भाई यार ये वाला भी मिशन हम लोग ने इजिली कंप्लीट कर लिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।